हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज पर शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत शानदार होंगे, अपने वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, अभी जो हम लव रीडिंग करने वाले हैं, आज हम जानने वाले हैं इन डीप आपके पर्सन कि क्या क्वालिटी है, क्या पर्सनालिटी है, किस तरह के पार्टनर हैं आपके, जिनके साथ भी आप प्रेजेंटली अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं। अपने पार्टनर को थर्ड आई पर विजुअलाइज कीजिए और पार्टनर की आंखों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर के क्या पर्सनालिटी है, क्या ट्रेट्स है, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, ठीक है? तो रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकती है, आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। याद रखिए, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी आपके पार्टनर की लाइक्स डिसलाइक्स में ये चीज आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। हम यूज करने वाले हैं ट्रू लव रीडिंग डेक को। आइए जानते हैं आपके पर्सन की क्या पर्सनालिटी है, क्या अच्छा लगता है इन्हें, क्या अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जो भी पार्टनर उनके हैं, जैसा भी रिश्ता उनका उनके पर्सन के साथ में है, किस तरह के व्यक्ति हैं उनके पर्सन, क्या अच्छा लगता है, क्या गलत लगता है, अच्छा बुरा सब बताइए रीडिंग में। क्या ट्रेट्स हैं इनके? राइट साइड में निकालूंगी आपके पर्सन की नेगेटिव ट्रेट्स एंड लेफ्ट साइड लेंगे आपके पार्टनर के पॉजिटिव ट्रेट्स। सबसे पहले पॉजिटिव ट्रेट्स दे दीजिए एंजल्स। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। एंड नेगेटिव ट्रेट्स क्या है इस आदमी के, या जो भी जेंडर इनका है? 1, 2, 3, 4। बॉटम ऑफ द डेक इज डेटिंग। रोमांटिक है आपके पार्टनर। इन नेचर योर पर्सन इज रोमांटिक। जानते हैं आपके पर्सन के अंदर क्या क्या बुराई है, ठीक है? सबसे पहले कार्ड हमारे पास आया है रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। नेक्स्ट इज कमिटमेंट, ओ बाउंड्रीज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। हाय रब्बा, आपके पर्सन के डिसलाइक्स के बारे में बात कर रहे हैं, आपके पार्टनर की कुछ खामियां जो इन्हें आप इस रीडिंग के जरिए आप पता लगाने की कोशिश भी कर पाएंगे। सबसे पहला तो प्रॉब्लम आपके पर्सन का ये है कि ये खुद को चाहते हैं कि लोग इन्हें पूछें, अटेंशन दें, इन्हें दुलार करें, ठीक है? ऐसा है, जब से आप इनके साथ कनेक्शन में आए होंगे, आपका और इनका जब से भी ये रिलेशनशिप है, जितना भी टाइम हो गया, चाहे कम समय हुआ है, ज्यादा समय हुआ है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई इसको बड़ा दुलारना पड़ता है। अगर लड़ाई होती है दोनों के बीच में तो आप ही जा रहे हैं मनाने के लिए, आपके पर्सन नहीं मना सकते, ठीक है? ज्यादातर केसेस में आपके पर्सन को उल्टा पैम्पर करने की जरूरत पड़ती है, या आपको ही सॉरी बोलना पड़ा हो, आपको ही मनाना पड़ा हो, मतलब इन्होंने आपसे मुंह ही फेर लिया, ठीक है? इस टाइप की एनर्जी की बार बार छोटे छोटे बच्चों जैसी हरकत, या ये खुद भी चाहते हैं या चाहती हैं कि इनको मनाया जाए, ठीक? दूसरी बैड क्वालिटी कमिटमेंट की, ठीक है? ये पर्सन नॉन कमिटल हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की वाइब्स बहुत स्ट्रांग है। किंग ऑफ पेंटिकल्स बोलेंगे भाई हमको तो ऐसे ही बदनाम कर रखा है, हम तो बहुत ग्राउंडेड हैं, लेकिन कमिटमेंट आसानी से नहीं देते हैं। आपके पर्सन प्यार का बड़ा ढोल पीटते हैं, या जब भी आपके साथ इस रिश्ते में रहे होंगे, बड़ी लंबी लंबी बातें इन्होंने आपसे बोली होंगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, प्यार ऐसा होना चाहिए, प्यार वैसा होना चाहिए, जिससे आप इम्प्रेस भी हुए होंगे कि भाई यार बड़ा अच्छा इंसान है, इसके साथ तो बड़ा गलत हो गया, या इसको प्यार ही नहीं मिला लाइफ में, जबकि ये खुद कमिटल इंसान नहीं है। रीजन कुछ भी हो, लेकिन आपके पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज हैं। इनको चाहिए तो हर चीज अव्वल नंबर की, बेस्ट, फर्स्ट नंबर की, ठीक है? लेकिन जब खुद की बारी आती है ना, जैसे कि इनके द्वारा रिश्ता ठीक किया जा सकता है कमिटमेंट देके, भाई अगर प्यार किया है, डेट किया है, रिलेशंस बनाए हैं, ठीक है, तो कमिटमेंट क्यों नहीं? आपको हर चीज पे प्रायोरिटी पे रखा गया तो आप अपनी तरफ से कमिटमेंट भी नहीं देंगे। और ऐसा कमिटमेंट जो स्टार्टिंग से आप ढोल बजा रहे थे कि भाई हम कमिटमेंट देंगे, हम शादी करेंगे, ये है वो है, और बाद में ही टालम टोल करने लग गए, ठीक है? तो कमिटमेंट इश्यूज आपके पर्सन को है। वैसे दे वॉन्ट अ वेरी जेन्युइन पार्टनर, लविंग पार्टनर इन देयर लाइफ, ठीक?
थर्ड जो क्वालिटी है आपके पर्सन की वो कुछ ऐसी है, हो सकती है कि आपके पर्सन ईगोइस्टिक भी हैं और छोटी छोटी चीजों का बुरा बहुत जल्दी मानते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने आपके साथ कुछ बोला हो, आपको आपके साथ कुछ ऐसे मजाक किए हो, आपको बुरा लगा लेकिन आप रेजिस्ट कर गए, आप भूल गए, या आपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए चीजों को इग्नोर किया। अब अगर आपके पार्टनर को आपने ही वो चीजें बोल दी तो ये अपने आसपास एक शेल क्रिएट कर सकते हैं, या इन्होंने शेल क्रिएट किया हो। ये इनकी बेसिक क्वालिटी है, बात करना बंद कर देंगे, अवॉइड करना शुरू कर देंगे, बॉयकॉट करना शुरू कर देंगे कि अब मुझे इससे बात ही नहीं करनी। मतलब जब तक आपको उस चीज का रियलाइजेशन ना हो जाए अच्छे से इनडायरेक्ट वे में कि जबान भी गंदी नहीं की लेकिन इग्नोर इतना करो कि सामने वाले को पता लगना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा किया तो अगली बार से ध्यान रखिए, ठीक है। मैनिपुलेटिव है, ये आपके पर्सन की बैड क्वालिटी है कि जैसे इनका जो साइलेंस है ना वो भी खतरनाक है, मारता है साइलेंस भी इनका आदमी को। बाउंड्रीज में चले जाएंगे फिर आपको ऐसा लगेगा क्या यार इसे मुझसे प्यार नहीं था, या इसने मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं किया, आज इसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब झुकाना आपके पर्सन को अच्छा लगता है, ठीक है। वैसे तो जनरल रीडिंग है गाइज, लेकिन आपके साथ अगर ये चीजें हुई है ना तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितना रेजोनेट कर पा रहे हैं आपके पर्सन के नेगेटिव ट्रेट्स जो भी रीडिंग में आए हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट वाले बहुत ज्यादा हैं, ईगो पे लगती हैं जो भी चीजें लगती हैं, और हो सकता है कि आपके पर्सन, देखिए कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं इन नेचर, दे आर वेरी मैच्योर पर्सनैलिटी, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के भूखे हैं। हो सकता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ ईगो में कोई फर्क नहीं पता है इन्हें। ईगोइस्टिक पर्सन क्या है, जो हर वक्त अपने ईगो को सेटिस्फाई कराना चाहता है या कराना चाहती है, ठीक है। और सेल्फ रिस्पेक्ट वाला कौन सा है, जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखो मैं अपनी का ध्यान रखता हूं, ना तुम वो करोगे जो तुम्हारे अगेंस्ट है ना मैं वो करूंगा जो मेरे अगेंस्ट आ रहा है। ये तो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। लेकिन इनका ऐसा है कि ये अपने आप को पहले रखते हैं उसके बाद सबको रखते हैं। ये पहले, आप इसमें सेल्फिशनेस को भी ऐड कर सकते हैं, ये पहले अपना देखेंगे उसके बाद किसी और का देखेंगे। अगर आपको वो चीजें सही लगती हैं तो आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं, वो चीजें आपको ठीक नहीं लगती हैं, मतलब ये चाहते हैं कि आप इनके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, या जो भी इनके दायरे में आया है उसके अकॉर्डिंगली उस इंसान को एडजस्ट करना पड़ेगा अगर इनके साथ आपको रिश्ता चाहिए कैसा भी, ठीक है। ये उस तरीके के हैं, मुझे ये भी वाइब्स आ रही हैं कि अगर किसी के पार्टनर इस तरीके के हैं तो ये अपने आप में आपके लिए रेड फ्लैग भी है आदमी, ये जो भी पार्टनर है आपके, ही और शी इज अ रेड फ्लैग इन रिलेशनशिप, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट होना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर कोई झुकाना किसी को चाहे ईगो सेटिस्फाई कराने के लिए तो ऐसी जगह रिश्ता चल नहीं पाता है, क्योंकि सामने वाले के अंदर दया है ही नहीं, सामने वाला तो हार्टलेस है, ठीक है, स्टोन हार्टेड पर्सनैलिटी है। तो ये आपके पर्सन के नेगेटिव ट्रेट्स निकल के आए हैं। अब देखते हैं कि अच्छी क्वालिटीज क्या है। फर्स्ट है लव, ओ वाह, अच्छी क्वालिटीज में, गुड क्वालिटीज में, गुड ट्रेट्स में आप कह सकते हैं कि आपके पार्टनर प्यार को समझते तो हैं, ठीक है। आपके पर्सन लव की हाईएस्ट वाइब्रेशन, मतलब अगर ये राजी है ना तो ये ऐसे हुए, ऐसे हैं या ऐसी हैं कि आपके कदमों में सब कुछ लाके रख देंगे, आपकी कोई ख्वाहिश ऐसी ना छोड़े ये बंदा या बंदी कि आपको कहीं से अधूरा लगे। इनके अंदर फिर आप एक एक क्वालिटी देख सकते हैं जैसे भी लवर के अंदर होनी चाहिए, टाइम टू टाइम बात करना, कंसर्न दिखाना, गिफ्ट्स देना, फाइनेंशियली सपोर्ट करना, हर अच्छे बुरे में साथ देना, माता पिता की तरह पूरा एक प्रोटेक्शन की बेल्ट बना के चलना कि ये मेरा है या ये मेरी है तो मुझे इसे उसी तरीके से देखना है। तो समवेयर जब ये प्यार की वाइब्रेशन को अचीव करते हैं तो इनसे ज्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती, मतलब फिर ये बेस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द गार्डनर, ये ऐसे इंसान है जो अपने आप में चैरिस्मेटिक ऑरा को कैरी करते हैं, ये लकी भी हैं। अगर आप रिलेट कर पाए तो ये हो सकता है अर्थ एंजल हो, या ये आपके लाइफ में जब भी आए होंगे तो अपने पुराने आपने पास्ट के वुंड्स को रिलीज किया होगा, ठीक है। इनके आने से आपको अपनी जिंदगी में तरक्की मिली हो, आप कुछ नहीं करते थे तो आप जॉब करने लगे, आप कुछ नहीं करते थे तो आज आपके पास एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, आप कुछ नहीं करते थे तो आज आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाह रहे हैं, या आप अपनी जिंदगी को समझ पा रहे हैं। एक तरह से दिस पर्सन कैन बी योर स्पिरिचुअल टीचर ऑल्सो, ठीक है। ये आपको अवेकन करने आए हैं, ये खुद भी ऐसे हैं कि इन्होंने जिंदगी में बड़ा संघर्ष किया होगा,
और इनके आसपास बड़ी अबंडेंस होगी, इनके खुद के पास बहुत, ये बहुत अबंडेंट व्यक्ति हैं, ठीक है। इनका ऑरा ऐसा है कि ये भीड़ में भी पहचाने जा सकते हैं या लोगों की नजरें इन पर जाके रुकेंगी। इनके पास वो पर्सनैलिटी है, वो चार्म है, ठीक है। ये बहुत गलत नहीं होगा कहना, बट ये अपने पास्ट लाइफ्स में एक अच्छे हीलर रहे हों, संत रहे हों, क्योंकि हम जब सेज की बात करते हैं, संत की बात करते हैं, तो अलाइंड सोल्स होती हैं, मास्टर सोल्स होती हैं। इसीलिए ये बहुत अच्छे किंग और क्वीन की पोजीशन को होल्ड करते हैं या करती हैं। ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, इनको लोगों से काम लेना आता होगा, क्योंकि जो बैलेंस्ड है ना, वही किसी को कमांड कर सकता है, उसके अंदर ही लीडरशिप की क्वालिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे लीडर हो सकते हैं, इनके अंडर में बहुत लोग काम करते हो, ठीक है। ये खुद भी बहुत जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो भी मेल फीमेल है, जैसे कि इनका अपना काम है तो ये कभी उसमें झाड़ू करने में, अपनी चीजों को खुद उठा के रखने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि काम इनका है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये टॉप पे है तो ये झुकना नहीं जानते, या ये क्यों झुकेंगे, ठीक है। लेकिन जो इनके इनके घेरे में आ गया, जो इनके सराउंडिंग में आ गया, उसको जरूर ये उस लेवल पर कंसर्न इतना हो जाएंगे ना, कि ये उसको फिर अलग तरीके से घुमाना जानते हैं, ठीक है। बहुत चैरिस्मेटिक ऑरा है। इंटीमेसी, ये इंटीमेसी लेवल पर भी बेस्ट पार्टनर हो सकते हैं, अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो इनके साथ में। ये बहुत रोमांटिक है, ये मतलब ऐसे हैं, आप ऐसे समझिए कि कोई भी लव रिलेशनशिप है, जैसे कुछ लोग तो जस्ट एक नॉर्मल फैंटेसाइज करने के लिए चीजों को इन्वॉल्व हो गए, ये ऐसे हैं कि अपने पार्टनर को खुश रख सकते हैं या रख सकती हैं, इनके पास वो पावर है। ये उस तरीके से जड़ से किसी को भी हील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी कुछ अच्छी क्वालिटीज हो सकती हैं। बेडरूम केमिस्ट्री इनकी बहुत अच्छी रही, अब कार्ड है तो मैं क्या करूं। तो ये कुल मिला के जिनके भी पर्सन के ट्रेट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, बहुत रोमांटिक आदमी, ये बहुत रोमांटिक आदमी है। यहाँ पे इंटीमेसी है, यहाँ पे लव है, यहाँ पे डेटिंग भी है, और कमिटमेंट का कार्ड भी आया था। तो ये है, इनका और आपका कुछ ऐसा कनेक्शन है, ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ये नॉर्थ पोल है तो आप साउथ पोल है, दोनों डिफरेंट है, लेकिन एक दूसरे की वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट करने से, कॉन्टेक्ट में आने से, फिर आपकी जिंदगी एक दूसरे के इर्द गिर्द ही घूमेगी, ठीक है। तो जितनी भी चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।